चुके हैं अपनी सीट्स। ओए अभी फिलहाल अपनी गाड़ी स्टार्ट तो हो गई है, बट इसका कह अभी आधा स्क्रैप आधा न्यू सामान लिया हमने, कंप्रेसर ले लिया है पूरा स्क्रैप से। अरे ये देखो यार, ये थोड़ी सी ना ये मेरे से ही लग गई। स्टीयरिंग सीधा, चलो चलो और रुक जाओ। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, आप आ चुके हो नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आज हम आपको फिलहाल दिखाएंगे होपफुली सीट्स इंस्टॉल होते हुए। एंड उसका एक एसी कंडेंसर है वो हमें मिल नहीं रहा है, एक वो भी लेंगे और जो जो सीन्स होते हैं आगे पे वो आपको दिखाते हैं। बाकी अभी हमारे साथ सबसे पहले एति जी जुड़ चुके हैं। एति हेलो करो, बोलो हेलो गाइज। चलो सर चलते हैं भाई सीधा गाड़ी में और फिर वहाँ से आपको सीन्स दिखाते हैं। एति का चक्कर भी हमारे साथ। एति हो गया चक्कर क्यों, एक और हो गया कह रहे एक और नहीं, नो नो। और प्रॉब्लम आती है हमें एक्चुअली, हमारे घर वाले जो है ना हमें हर बार गाड़ी वही देते हैं जिसका तेल बिल्कुल खत्म हो गया होता है। आज के बाद सिर्फ थार चलाएंगे, उसी में तेल डलवाएंगे, ठीक है? कोई नहीं चलाता, वो कोई नहीं चलाता। तो आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि अपना ओपिनियन दे के ढेर सारे प्राइजेस जीतो, वो भी सिर्फ लोटस C65.in पर। यहाँ बहुत सारी क्वेश्चन है जैसे हु विल विन द मैच, हु विल विन द टॉस, जैसे 50 प्लस क्वेश्चन है जहाँ पे आप अपना ओपिनियन दे के ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हो। लोटस C65 पे रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 hour कस्टमर सपोर्ट और यहाँ पे खेलते हैं 10 million से भी ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा 200+ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे आप अपना ओपिनियन दे के ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोटेला, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो देरी मत करिए, सीधा जाके रजिस्टर करिए lotus365.in पर और पिन कमेंट में मिलेगा आपको लिंक। आगे थे अपने दूसरे ठिकाने और आज हमारे साथ हमारे बहुत दिल के करीबन मेंबर भी जुड़ चुके हैं। क्या नाम है, मेंबर तो हो नहीं, आप भाई हो, भाई का मतलब जानते हो, भाई का। आओ दमित भाई आओ। चलो चुके हैं अपनी सीट्स। ओए ये तो नई सीट्स थी भाई, ये किसने गंदी की है। वेरी बैड। देखो अपनी नई सीट कवर वाली सीट्स डिजाइन होके आ चुकी हैं। कैसी लग रही है दमित भाई? अच्छी लग रही है। आगे से ना बैटरी का टर्मिनल पकड़ना गाइस, मुझे लगता है बैटरी डाउन हो गई है। अभी फिलहाल अपनी गाड़ी स्टार्ट तो हो गई है, बट इसका कह रहे हैं फोर व्हील ड्राइव नहीं चल रहा। अब देखते हैं कि फोर व्हील ड्राइव में क्या नई दिक्कत आ गई है। साथ में एसी कंडेंसर भी हमें लेना है, बड़ा लंबा काम पड़ गया सर गाइस, छोटा सा काम था मगर ज़्यादा हो गया। बट चलो एक गुड न्यूज़ है कि सीट्स वगैरह तैयार हो गई हैं। सुनील भाई कब तक तैयार हो जाएगी गाड़ी हमारी? देखो हमारी तरफ से तो ओके, अभी 4x4 में कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ, तो उसके वो मेरे ख्याल से मॉड्यूल वगैरह साथ में लगे, इस वजह से हो सकता है कि वो चल नहीं रहा। तब तक उसके मॉड्यूल नहीं आएंगे तब तक वो 4x4 काम नहीं करेगा। अब देखो चेक करते हैं। चलो शुक्र है सुनील भाई के चेहरे पर स्माइल रहती है तो हम भी खुश रहते हैं, बाकी नहीं तो निर्वाल में होता तो क्या होता। आ चुके हैं हम लोग पैसेंजर सीट पे और हमारे दमित भाई गाड़ी चला रहे हैं, पुलकित भाई पीछे बैठे हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं थार 700 को लेने, क्योंकि यार उस दिन वाटर क्रॉसिंग की, उसके बाद उसकी सर्विस भी ड्यू थी तो मैंने सोचा वो भी करवा लेते हैं। बाकी आपको सीन्स दिखाते हैं सीधा पहुंच के। और हाउस फीलिंग ऑफ लेजेंडर सही सनरूफ नहीं है, अल्टुरा से बेटर के लिए सच होता उसमें सनरूफ है। सनरूफ को छोड़ो ना, ड्रैग रेस भी लगाई थी एक दिन। कब अभी हमें दमित भाई छोड़ कहाँ जा रहे हो? मैं थार। क्यों? इसका मजा ही लग गया ये भैया। जाओ भाई जाओ, 700 की सर्विस भी करानी है, चलो वो भी करवा लेते हैं। आ गया अपना छोटा 700, तो अभी आज इसकी सर्विस हो जाएगी, मैकेनिकल वाली सर्विस, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग के बाद ना हमें को भी टाइम नहीं मिला और ऐसे टाइम मिलेगा भी नहीं, इसीलिए चलो चलते हैं भाई इसको सर्विस करवाते हैं आज। इसकी अच्छी लगती है यार चलते हुए। रुको मैं लेंस ना शिफ्ट करके दिखाता हूँ। वाह नाइस, हमने 700 छोड़ दिया, हम वापस आ गए। आपको लगेगा ऐसे झूठ बोल रहे हैं मगर हम सच में छोड़ के आए हैं ना जी। ऐसे चुप चुप क्यों जाते हो जी? तो भाई साहब अभी चलते हैं सीधा इसका कंडेंसर लेने और फिर वहां से आपको सीन्स दिखाते हैं आगे के। अभी फिलहाल ओए होए होए ज़ेन वाले भैया एकदम कटिंग मार रहे हैं, कटिंग। तो भाई साहब अभी यहाँ पे हम कंडेंसर लेने आए हैं और वो हमारे अशोका मोटर में मिलता नहीं। ओए कारा थारा मरका ले या टुकड़े, नरवाल में क्या कर रहे हो?
क्या पता हमारी तरह आया हो देखने अपनी दूसरी गाड़ी को, थार हो इनके पास भी, है ना, हो सकता है। ऑलराउंडर, ऑलराउंडर। तो भाई अभी चलते हैं सीधा लोकेशन पे और वहाँ पे आपको सीन दिखाते हैं। अभी आ चुके हैं हम नरवाल, शीशे हैं। अभी आधा स्क्रैप आधा न्यू सामान लिया हमने, कंप्रेसर ले लिया है पूरा स्क्रैप से, न्यू ले लिया है हमने, फैन जो कंडेंसर के आगे लगता है, इंजन कवर पुराना ही ले लिया, और अपना न्यू एसी कंडेंसर। तो पहुंचे हम जलंधर मोटर। भैया जी सर, एक काम हो गया। ड्राइवर चलाता है। अच्छा आया, मैं पेंट पे लगा के आया गाड़ी को, अभी पेंट कराऊंगा अभी। अरे ये देखो यार, ये थोड़ी सी ना ये मेरे से ही लग गई, तो अभी चलते हैं यार इसका भी काम करवा देते हैं। भैया आज ही कर दोगे ना ये? आज ही हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। तो भाई साहब यार इतना सा भी स्क्रैच ना गाड़ी पे मज़ा ही नहीं आता, इसीलिए वो चक्कर में हम अभी अपना गाड़ी का आगे से चूल पार्ट है वो रिपेयर करा लेते हैं। अभी चलते हैं अंदर, आपको सीन दिखाते हैं। हमारे पुलकित भाई ने गाड़ी ठोक दी, बट चलो कोई बात नहीं। ध्रुव भाई क्या हाल है, ठीक हो? मैं विश्वास नहीं करता। वो तो छोड़ो, ये तो 700 की जगह थी। ध्रुव भाई उसमें क्या काम करवाना है? अभी हर महीने चलाई होती, हर महीने के हर दिन चलाई होती कहीं ना कहीं किसी लिफ्ट में, यही काम रहे हुए। ध्रुव भाई हमारा 4x4 नहीं चल रहा। तो भाई साहब हमारा 4x4 नहीं चल रहा, इसका मॉड्यूल वोड्यूल लगे। ध्रुव भाई ने अभी ऐसी बात कही है ना जो हमें काटनी पड़ेगी, क्योंकि ठीक जाके लगेगी। तो भाई अभी फिलहाल पी, तुझे मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमारा काम करना होता है। तूने मेरी गाड़ी निकाल के बाहर इनकी गाड़ी कैसे लगाई? मुझे बोला गया क्या? किसने बोला? मेरे उस्ताद ने बोला। पी मेरा धोखेबाज निकला। अभी फिलहाल अपना जो एसी कंप्रेस कंडेंसर फैन है ये निकाल लेते हैं। अच्छा ये हमारे स्पॉइलर की गैस्केट भी पड़ी हुई है। हमारे पुलकित भाई को बहुत गर्मी लगती है, इसलिए हमने इनके लिए फैन लाया है, अभी अपने मुँह के पास लगा के रखेंगे। अभी फिलहाल अपना कंडेंसर की अनबॉक्सिंग कराते हैं ध्रुव भाई से। ध्रुव भाई करो अनबॉक्सिंग, क्या कहते हैं, श्री गणेश करो। अभी फिलहाल ये आ गया अपना न्यू कंप्रेसर, मतलब जो हमने स्क्रैप से लिया बट ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन में, और ये पुराना वाला एम हॉक में जो हमने कन्वर्ट किया, उससे हमें एक प्रॉब्लम आई है कि ये जैसे सीआरडी का कंडेंसर इसमें नहीं लग रहा था, और इस वाले जो इंजन है उसके साथ कंडेंसर और कंप्रेसर नहीं आया था, इसलिए हम ये लेके आए। तो भाई साहब अभी ये देखो हमारे ध्रुव भाई नया कंडेंसर ले आए। ध्रुव भाई ओहो वो हवा देगा। हमारे पुलकित भाई के ऊपर ही हमने लगाना है अब गैस, ये पाइप यहाँ कनेक्ट होगी और ये यहाँ पे हवा से आएगी। हवा अंदर, इंटरनल कूलिंग चाहिए ध्रुव भाई, इंटरनल कूलिंग। किसकी ट्रैक है? ये पुल कितने ठोक तो दी है, और उसके बाद सुनील भाई नया बम्पर आएगा। नहीं बम्पर नहीं, नया में ले सकता भाई। यार गाड़ी थोड़ी सी लगी उसकी वजह से, पता नहीं अब क्या क्लैडिंग क्लूडिंग टूट गई है। ये भाई मेरे से ही लगी, भाई मेरे से ही लगी थी गाड़ी, मगर जलंधर मोटर में सुनील भाई ने पूरा एकदम फास्ट टू फास्ट सर्विस करा दी। मुझे लगता है आधे घंटे में पेंट भी हो जाएगी गाड़ी, और ऐसी कोई गलती नहीं है, बैठो गाड़ी में चुपचाप बैठो। अभी फिलहाल यार आज लास्ट दिन है, तो कल से रोजे रोजे स्टार्ट जाएंगे। तो भाई पुरकित भाई ये क्या ये भाई है, ये भी निंजा टेक्निक, अपना अपना कोटा संभाल के रखा है। एक कोटा पी रहे, एक कोटा संभाल के रखा है। स्ट्रॉ डाल लिया बस बीच में। ध्रुव भाई कूलिंग सिस्टम लगाते हैं, बीच में कॉइल्स भी लगा लेते हैं ऐसे ऐसे करके, कोल्ड ड्रिंक भी ठंडी रहेगी, बंदा भी ठंडा। आज अपनी गाड़ी फॉर्चुनर भी रिपेयर हो जाएगी, बाकी अभी चलते हैं देखते हैं उसका एसी कंप्रेसर वाला काम कहां पहुंचा। आज ट्राई भी मारनी है उसकी। अभी यहां पे गप मार ही रहे थे, और ये देखो एक ये और एक ये, जो दो बंदे हैं आपस में मिल जाए तो फिर। किलर भाई क्या हाल है, ठीक हो? कहाँ गए वो? अरे कमेंट आ रहे हैं, ईशान भाई और रमन भाई से मिलो, क्योंकि आपका फैन फॉलोइंग है। मुबारक हो 50K के।
शान भाई दो शब्द कहो यार, दो शब्द कुछ नहीं भाई, कुछ दो शब्द कह दो यार। कराओ थार में कोई चेंजेस मेरी, अब थार में तो चेंजेस कराएंगे, दो शब्द बोलो ना यार, दो पंक्तियां, दो पंक्तियां सुनो। रमन भाई आप सुनो, आपके 500K हो गए, आपके 1-6 का चक्कर है भाई, मेरे कहाँ से 500K होने यार, होने वाले भाई आपके 500K कहाँ, खुश हो रहे हो आप 500K में? 500K में मैंने कभी खुश हुआ यार? हो रहे हो खुश आप 500K में यार? नहीं ये कुछ समझ नहीं आया भाई, अभी फिलहाल अपना जो डैशबोर्ड है फाइनली वो भी खुल रहा है, ये भी पेंट होगा और इसके लिए फिलहाल कूलिंग कॉइल और वगैरह जो सब है वो भी रिप्लेस करनी है, वो भी आपको सीन दिखाते हैं फिर आपको अपडेट करते हैं। फाइनली इसका डैशबोर्ड खुल चुका है और फिर अभी आपको आगे के सीन्स दिखाते हैं, अभी इसका कूलिंग कॉइल वगैरह चलेगा। हम ट्राई कर रहे हैं कि यार एक कोई छोटा सा हम आपको ग्लिम्स मार के दिखाएं। तो भाई साहब ये देख सकते हो हमारे दमित भाई लाए हयाबुसा और अब इस पे व्हीली मार के दिखाएंगे। फिलहाल ने यार एक भाई का कॉल आया और वो कह रहे हैं उनकी गाड़ी फंस गई है तो वो निकालने चलते हैं। हमारे एक्चुअली विंच वाली गाड़ी तो नहीं है बट वो जिप्सी है तो वो हमारे दमित भाई एक हाथ से उठा के निकाल देंगे ना रंगलैर से। केड़ी गाड़ी से? रंगलैर, रंगलैर। चलो भाई आ जाओ पुलकित भाई, मैं कहां बैठूंगा। तो भाई साहब ये अपने पुलकित भाई आ गए शैकल और टोस्ट स्ट्रैप लेके, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। ये जगह यार क्या बैठ जाओ, वो यार दमित का ये चुप जाएगा मेरे को, नहीं चुपता। चलो अगर चुप गया तो चलो चलो। वो 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 गाइस आप आ चुके हो मोटो ब्लॉगर दमित पाल सिंह के पास और अब हम जा रहे हैं यहाँ से और क्यूट गर्ल हमारा रास्ता ना रोक ले कहीं पे। ये देखो इसका इंजन खोल ले चलती गाड़ी का इंजन खोल लेंगे। तो भाई साहब अभी आगे रैंगलर में अपनी राउंड द क्लॉक रिकवरी करने जा रहे हैं, दमित भाई अपनी 700 आज लगी हुई थी सर्विस पे तो इसलिए उसको नहीं निकाल पाए। तो भाई साहब अभी चलते हैं सीधा आपको दिखाते हैं जो भाई फंसे हैं उनसे भी मिलके दिखाते हैं। तो अभी पहुंच गए हैं हम अनुभव, ये कैसे निकलेगी भाई यहाँ से। तो भाई साहब ये देखो ये है हमारी जिप्सी, हाँ इधर ही फंसी थी बट आप इधर नहीं जाना। तो भाई पहले हम देखते हैं जाके देखते हैं क्या सीन है कहाँ पे है जिप्सी। अभी फिलहाल यहाँ पे आ गए थे यहाँ पे जो लोकेशन पे जहाँ गाड़ी फंसी है तो पहले भाइयों से मिला देते हैं। भाई क्या नाम है? माधव भाई। पहले बताओ व्लॉग कौन देख रहा है? पक्का तभी तो फोन किया। चलो भाई तो ये देख सकते हो आप मारुति सुजुकी के बंदे भी साथ लाए। भैया जिमनी कब मिलेगी? जिमनी अभी नहीं मिलेगी। कब मिलेगी फिर यार, क्या करते हो? अभी कोई पता नहीं। पक्का मिलेगी ना मगर? हाँ। चलो ठीक है। तो भाई साहब ये देखो यार ये पूरी की पूरी गाड़ी ना नीचे धस चुकी है। कोशिश आप लोगों ने बड़ी की है मुझे लगता है, क्लच की स्मेल स्मूल आ रही है मुझे। अरे ये देखो पुलकित क्या कहना चाहते हो? रैंगलर लेके आ रहे हैं तो देखो आप यहाँ से जमीन कितनी सॉफ्ट थी। फिलहाल यार ये बहुत सॉफ्ट था, देख सकते हो पूरे के पूरे ना टायर्स डिग अप हो गए, लो पे ही जाते हाँ से। ये जिप्सी जो है ये ओए ओए नहीं ओए ये भी गड़बड़ी है। नीचे देख रहे हो भाई कैसे फ्लेक्स हो रही हो? ये पता है वो तभी तो फंसी है, ये भी बड़ा सॉफ्ट है अभी। ये देखो यार नीचे ना बिल्कुल सॉफ्ट आ रहा है तो उसी चक्कर में बस उसी चक्कर में प्रॉब्लम पड़ रही है। अभी फिलहाल भाई इसका स्ट्रैप बांध रहे फिर आपको अपडेट करते हैं। तेज खींचो बस तो यार आज विंच नहीं हमारे पास तो हम वैसे अवॉइड ही करते हैं स्नैच रिकवरी या फिर किसी गाड़ी को झटके से पुल करना, लेकिन ये पूरी नीचे बैठी हुई है। दो तीन ट्राई हमारी मगर एक्चुअली यार ये ना नीचे से लग गई है। फिर भी अभी 700 को जो सर्विस है वो होगी, हमें उनका कॉल आया था भैया का, हमने भैया को बोला आप ही आ जाओ यार तो फिर आपको सीन्स दिखाते हैं आगे की क्या बनता है। 700 का वेट कर रहे हैं जब तक, तब तक वाओ भाई क्या कौन सी पार्टी करने आए थे संडे को? बिल्कुल उल्टा हो गया ना। ओ भाई आइस बॉक्स, आइस बॉक्स भाई, आइस बॉक्स भी है, क्विक सैंड बना हुआ है कुछ ज्यादा ही है भाई। ये देखो यहां पे भी है
बजालता ओलंपिक्स चलो रनिंग और स्विमिंग ये तो शुरुआत ही खत्म हो गई मेरे साथ भी हुआ इसने बचपन में बेयर ग्रिल्स देखा है बजालता ओलंपिक्स अरे वो टेक्निक लगाओ ना बेयर चिल्ड वाली टेक्निक लगाओ रुक जाओ पैर तोड़ दो इसका रुक जाओ सुनो लेट के एक लात निकाल जैसे इसने निकाली थी ऐसे ओलंपिक विनर देखो लेट के दोनों आएंगे हाँ जूता है अभी हाँ ऐसे ये टेक्निक है लेट के बेयर चिल्ड ये नए वाले हैं भाई फाइनली भाई इस गाड़ी का यार मतलब इतना है ना ओहो भाई तो भाई साहब ये देखो हमारे सुनील भाई आगे हमारे पास सुनील भाई थैंक यू सो मच देख सकते हैं जिलेंद्र मोटर ने अब राउंड द क्लॉक रिकवरी में भी एक स्कीम स्टार्ट कर दी है तो अब विंच केबल कर दी 700 से कनेक्ट ये और वहाँ जा रही है जिप्सी में वो और अब धीरे धीरे जिप्सी विंच आउट होना शुरू होगी स्टीयरिंग सीधा चलो देख के रखो देखो फिलहाल हमारे दमित भाई आ रहे हैं यहीं से सेम जगह से क्या लगता है आराम से हम रोक देंगे उनको अगर कुछ लगेगा हाँ तो भाई साहब अभी आ रहे हैं बाकी देख सकते हो हमारा जिलेंद्र मोटर से टाइप इतना हाईफाई हो गया है कि हम उनके बंदे को उठा के ले आए ओनर को और वो भी अब हमारे साथ ऑफ रोडिंग कर रहे हैं आने दे मेरी साइड काट बस इन लोगों की गाड़ी निकल चुकी है खुश हो थैंक यू सो मच संडे को आओगे जरूर चलो ठीक फिर वो जिमनी वाली इन्फॉर्मेशन कौन देगा हमें पक्का नहीं यार सर्विस भी देगा तो भाई साहब अभी फिलहाल हमारा जो क्लैडिंग वाला पार्ट था वो पेंट हो गया एक दिन में सुनील भाई ने करके दिया ये हमारे लिए गाड़ी लेके भाई इतना कुछ कर रहे हैं ना भाई इतना कुछ कर रहे हैं पता नहीं हम कैसे रीपे कर पाएंगे वैसे कोई और तरीका है जो आपको ठीक लगे नहीं वैसे नहीं कर पाएंगे भाई ये दिल वाली चीजें होती है इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है